कोरोना वायरस ने अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह हिला कर रख दिया है। वहीं लोगों के सामने आजीविका का संकट आ पड़ा है। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज पेश किया है, जिसे लेकर वो दावा कर रही है कि यह एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा, लेकिन विपक्ष इसे लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन खुद ही एक ऐसे पैकेज की सराहना कर रहे हैं जिसमें जीडीपी का 1% से कम राजकोषीय प्रोत्साहन है। उन्होंने आगे ट्वीट करके लिखा, आरएसएस को शर्म आनी चाहिए कि कैसे सरकार ने अर्थव्यवस्था को नकारात्मक विकास के क्षेत्र में खींच लिया है। एक दूसरे ट्वीट में चिदंबरम ने लिखा, आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत कहते हैं कि मांग में गिरावट आई है। 2020-21 में विकास नकारात्मक क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, फिर वो अधिक तरलता को क्यों प्रभावित कर रहे हैं? उन्हें सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि अपना काम करो, राजकोषीय उपाय करो। दरअसल कोरोना वायरस से जंग के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को एक बार फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट व ब्याज दर में कटौती की घोषणा की। केंद्रीय बैंक ने रिजर्व रेपो रेट को घटाकर 4% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस दौरान अनुमान जताते हुए कहा था कि वर्ष 2020-21 में जीडीपी की वृद्धि दर नेगेटिव में जा सकती है, जिसके बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पलटवार किया है।